हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं साथ के साथ हम यहां पे देखेंगे कि आखिर जो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अभी तक उसका क्या इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर पड़ने वाला है सैटरडे को रिजल्ट हैं क्वार्टर वन के नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और उस दिन अगर आप देखोगे तो जो इंपैक्ट पड़ेगा वो मंडे को आपको पढ़ते हुए नजर आएगा उस रिजल्ट का ठीक है तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे दे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन का सिनेरियो क्या रहा है यस बैंक में तो आज यस बैंक सत्रह रुपए चालीस पैसे पर क्लोजिंग देते हुए नजर आया है करीबन आधे परसेंट की गिरावट के साथ सत्रह रुपये साठ पैसे का इसने हाई बनाया था और सत्रह रुपये तीस पैसे का इसने लो बनाया है यानी कि को, कोई बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन तो देखने को नहीं मिली है आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ रिसेंटली हम लोगों ने इस चैनल पर वन लैख सब्सक्राइबर का माइल अचीव किया है उसके लिए तय दिल से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू बोलता हूँ लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करनी है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा कमेंट में कुछ भी जो भी आपका मन करे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा सो so डैट इस वीडियो की जो इंगेजमेंट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए बिकॉज uh, मेरी प्रीवियस वीडियोस पर जो है यूट्यूब ने काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट कम कर दी है जिस वजह से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है तो आप सबसे मैं हाथ जोड़ बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हो और एक लाइक आप इस वीडियो को जरूर करिएगा कॉमेंट में आपका जो भी बन हो वो आप जरूर मैंशन कर दीजिएगा सोडर यहाँ से इस वीडियो पर एंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाए अब यहां पे मैं आगे चीजें कंटिन्यू करूं तो आप यहां पे देखोगे तो आज के दिन अगर आप देखो तो 12 करोड़ का वॉल्यूम है कल अगर आप देखोगे तो सेम वॉल्यूम आया था एक हफ्ते का वॉल्यूम देखते हो तो पंद्रह करोड़ है एक महीने का देखते हो तो भी पंद्रह करोड़ का एवरेज है यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम तो ठीक ठाक है वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन अगर आपको साथ के साथ तो ओवरऑल बड़ा डेटा देखना है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सात छः जुलाई से उन्नीस जुलाई तक का डेटा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज के साथ तो जिन भी लोगों को जो ओवरऑल जुलाई के मंथ का कॉन्सेप्ट देखना था वो यहां से देख सकते हैं लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो परफॉर्मेंस अभी तक उतना इम्प्रूव नहीं हो पाया है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यानी कि अगर आप देखते हो तो छः महीने में अभी भी तेरह परसेंट के नेगेटिव रिटर्न हैं और पाँच साल दस साल का पैरामीटर तो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे कंसीडर नहीं करना चाहिए वो सीनैरियोज़ अलग थे आप सभी को पता है लेकिन हाँ एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये है कि एक साल और दो साल में रिटर्न पॉजिटिव हैं और ठीक ठाक एक, एक एवरेज रिटर्न हैं उनती तीस और बत्तीस के दो साल में ये है अभी तक का सिनेरियो यस बैंक का अब मैं आपको डायरेक्टली न्यूज पर लेकर चलता हूं तो न्यूज निकल के आ रही है कि यस बैंक ने करीबन दो लाख से भी ज्यादा इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दिए हैं एज अ स्टॉक ऑप्शन आप सभी को पता है कि जब भी आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तो एज आ ईसॉप्स ठीक है तो उसके थ्रू जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को लॉयल्टी बोनस आप उसको बोल सकते हो वो देती है शेयर्स देती है कम प्राइस पे देती है और यहाँ पे क्या होता है कि जब वो एम्प्लॉयज उसको बेचते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है या फिर लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड भी करते तो भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है फेस वैल्यू जो रहने वाली है दो रुपये की रहने वाली है आप यहाँ पे देखो कि वेंजडे को यस बैंक ने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने करीबन दो लाख आठ हज़ार सात सौ पचास इक्विटी शेयर्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं एज अ वाई वी ल, एल ई सॉस और ये अगर आप देखोगे तो इसमें करीबन करीबन जो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है इतना जनरेट किया है फेस वैल्यू करीबन दो रुपये की रहने वाली है तो उससे जो पेड अप कैपिटल है वो यहाँ से यहाँ बढ़ गई है आप देख पा रहे हो ठीक है तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यस बैंक के एम्प्लॉज हैं काफ़ी टाइम से जो रिसेंटली ज्वाइन वगैरह किया होगा उनको तो ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता है अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकता है आपके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो यस yes बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं सबसे पहला जो निकल के आता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 26 परसेंट की होल्डिंग अभी भी है जो यहाँ पे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि लॉक इन ख़त्म हो जाएगा तो सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही साथ छोड़ेगा अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला सी एफ एस इन्वेस्टमेंट सिक्स पॉइंट फोर थ्री लगभग साढ़े छः परसेंट वर्वेंटा होल्डिंग साढ़े छः परसेंट के आसपास ठीक है फिर एल आई सी आती है एल ने अपना जब स्टेक इंक्रीज़ किया था लोग बोलने लग गए थे तो आ, पैसा डुबा दिया शेयर होल्डर्स का अपना पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया लेकिन जब शेयर बढ़ना स्टार्ट हुआ तब तो फिर लोग बोलने लगे सही डिसीजन है तो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उन्होंने क्या थिंकिंग है उनकी थिंकिंग क्या है उन्होंने क्या एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट किया फिर हमारा आता है आई बैंक लिमिटेड इसने भी होल्डिंग्स कम नहीं की है टू तक अभी रखी हुई है पूरी तरीके से एग्जिट नहीं किया है फिर है एक्सिस बैंक करीबन डेढ़ ज़्यादा और फिर है आई फर्स्ट बैंक ठीक है तो ये है इनके मेजर स्टेक होल्डर मेजर शेयर होल्डर्स अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थी कि लॉक इन के बाद चीजें शेयर होल्डिंग में वर्स्ट हो जाएंगी ऐसा अभी तक तो कुछ भी देखने को नहीं मिला एक्सपेक्टेशन भी हम लोग यही रखते हैं कि ऐसा कुछ हो भी ना सो डैट यहाँ से जो परफॉर्मेंस है येस बैंक का वो हैम्पर ना हो अब अगर आप देखोगे तो 30 जून तक कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं जैसे कि निपोन इंडिया ने अपने मिड कैप फंड में 41 परसेंट से अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दिया है एक महीने के अंदर एक महीने के अंदर 41 परसेंट फिर आता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप फंड इंडेक्स फंड के थ्रू 43, 44 परसेंट से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा दिया है फिर आता है नेपोन इंडिया निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पर 40 परसेंट से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा दिया है यानी कि नेपोन ने भयंकर खरीददारी करी है और मोतीलाल भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे 43 परसेंट से अपने मिड कैप ई में भी इंक्रीमेंट किया है मेराई ने तो और भी ज़्यादा किया है 64 परसेंट से ज़्यादा आई सी ने थर्टी से भी ज़्यादा एस ने भी यहाँ पे बड़ी खरीदारी करी है चालीस परसेंट से ज़्यादा की होल्डिंग्स इंक्रीज कर दी है आई सी प्रोडेंशियल इंडेक्स फंड ने पचास परसेंट से अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर दी है थ्री सिक्सटी वन क्वांट फंड ने बिकवाली करी है यानी कि अगर आप ओवरऑल यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस का डेटा देखोगे आपको समझ में आएगा कि जितनी भी टॉप ए एम हैं जैसे कि एस बी आई एच डी एफ सी आई सी आई सी आई मिराय या फिर कोटेक के बारे में आप देख सकते हो तो इन सभी ने यस बैंक के अंदर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी होल्डिंग्स को या तो डबल कर दिया है किसी फंड हाउसेज में या उससे भी ज़्यादा कर दिया है किसी ने तो सिक्सटी तक खरीदारी करी तो एट्टी तक खरीदारी करी है यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेज काफी ज्यादा हैं जब एक्जैक्टली exactly डेटा निकल के आएगा जब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस का जब कंपैरिजन होगा तब आपको पता चलेगा कि शायद पिछले क्वार्टर से इस बारी के जो नंबर्स हैं, वो एम के इंक्रीज हुए हैं और हो सकता है कि इस बारी नंबर ऑफ स्कीम्स भी इंक्रीज हो गई है तो ये एक पॉजिटिव साइड जरूर नजर आती है बाईस तारीख को और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी सैटरडे को रिजल्ट आ जाएंगे आप सभी को पता चल जाएगा कि आखिर पिछले क्वार्टर में क्या कुछ किया है यस बैंक ने और उससे फायदा होने वाला है या फिर घाटा होने वाला है वो भी हम सारी चीजें यहाँ पे देख पाएंगे और जैसा कि मैंने वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सो so डैट हमारा ये चैनल जो है वो आगे कंटिन्यू रह सके और एक कमेंट आप जरूर करिएगा जो भी आपका मन करे किसी भी स्टॉक के बारे में पता करना है कुछ लाइक्स डिसलाइक्स चैनल के बारे में कुछ भी मेंशन करना आप जरूर मेंशन करिए सो डेट मैं यहाँ से उन चीज़ों को भी इम्प्रूव आगे टाइम पे कर सकूँ तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद